अहम खबर शामिल करेंगे। थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की फायरिंग, रावलपिंडी मशकूक शख्स के रोकने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। आपको बता रहे हैं, रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि मुलजिम शायान जुल्फिकार को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मकामी जज के स्क्वाड के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। ये कहा गया है पुलिस की जानिब से जज और पुलिस स्क्वाड महफूज रहे हैं। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की फायरिंग, रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि मशकूक शख्स के रोकने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी है। और रावलपिंडी पुलिस ने यह भी कहा है कि शायान जुल्फिकार नामी लड़के को शख्स को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक मकामी जज के स्क्वाड के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। जज और पुलिस स्क्वाड इस वाकये के अंदर महफूज है। थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की फायरिंग हुई और रावलपिंडी मशकूक शख्स के रोकने पर मुलजिम ने भी फायरिंग कर दिया है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शायान जुल्फिकार को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुकामी जज के स्क्वाड के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। और इस फायरिंग के वाकये में जज साहब और पुलिस स्क्वाड जो है वो महफूज रहे हैं। थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की ये फायरिंग रिपोर्ट हुई है, इसी हवाले से बात करेंगे। फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है, फैज़ बताएगा। जी, थाना एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स की फायरिंग, रावलपिंडी मशकूक शख्स के रोकने पर मुलजिम ने फायरिंग की। पुलिस रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम शायान जुल्फिकार को हिरासत में लेकर थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। मकामी जज के स्क्वाड के करीब फायरिंग का वाकया पेश है। जज और पुलिस स्क्वाड महफूज रहे। पुलिस जी, अच्छा ये बताइएगा कि ये फायरिंग का वाकया कब पेश आया और पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से शायान जुल्फिकार को हिरासत में लिया गया है और जिस असले से फायरिंग की गई है क्या वो भी कब्जे में लिया गया है? जी, ये फायरिंग का वाकया हार्डले स्ट्रीट के रहायशी शयान अली ने पीएफ चौक में फायरिंग की है। साफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी जो है वो उस रूट से गुजर रही थी जो डियाला जेल से जो है वो 190 मिलियन पाउंड साबिक चेयरमैन पीटीए की समाप्त करके वापस आ रही था। हम पुलिस ने मौके पर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और असला भी बरामद कर लिया है। जी, अच्छा ये बताइएगा जो मुलजिम है जिसको गिरफ्तार किया गया उसका ताल्लुक किस जगह से बताया जा रहा है? जी, उसका ताल्लुक हार्डले स्ट्रीट रावलपिंडी से ही है और मुलजिम जो है वो नशे का आदी है, जिसकी वजह से उसने नशा ना मिलने की वजह से लोगों पर फायरिंग शुरू की और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। ऐसे बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है और पुलिस का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी, रावलपिंडी पुलिस ने जो है मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके मेडिकल के लिए उसको अस्पताल भिजवा दिया है, जहाँ उसका मेडिकल किया जा रहा है। मजीद उसके बाद उसे तहकीकात की जाएंगी। अच्छा ये बताएगा, ये अडियाला जेल है जहाँ पर बताया जा रहा है कि फायरिंग का वाकया पेश आया है और बड़ी सिक्योर्ड जगह है, सिक्योरिटी के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए? जी, ये जो है ये अडियाला जेल का इलाका नहीं है, रावलपिंडी हार्डले स्ट्रीट का इलाका है जहाँ पे ये फायरिंग का वाकया पेश आया है, जहाँ पे मुलजिम जो है वो नशे का आदी था और आपस में झगड़ने की वजह से जो है ये फायरिंग का वाकया हुआ। और जो जज थे मोहम्मद बशीर वो अडियाला जेल से समाप्त के बाद वापस आ रहे थे, उनका स्क्वाड के करीब जो है ये फायरिंग का वाकया पेश आया और मुलजिम ने जो है फायरिंग की। पुलिस ने जो है मौके पर मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिए। अच्छा, और असलहा भी बरामद कर लिया गया? जी, मुलजिम से असला बरामद कर लिया गया है और मुलजिम को और जो मुलजिम के साथ जिसके साथ मुलजिम लड़ रहा था उसको भी जो है पकड़ के पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया है। और उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है या अभी सिर्फ आगाज किया गया है कार्रवाई का? दाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, मुलजिम का सबसे पहले मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद जो है। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद रहेगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, आपके पास क्या डिटेल्स है इस हवाले से? देखिए, जज बशीर जो है वो एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और अडियाला जेल रोजाना जो है वो वहाँ जाते हैं और आज जैसे ही वो मुकदमे की समाअत के बाद वापस रावलपिंडी आ रहे थे तो थाना एयरपोर्ट के हदूद में उन पर फायरिंग हुई है। और ये बताया जा रहा है कि रावलपिंडी एयरपोर्ट के इलाके में मशकूक शख्स ने जो है वो फायरिंग की है और रावलपिंडी मशकूक शख्स को रोकने पर मुलजिम ने जो है वो फायरिंग कर दी और इस पर जो है वो जज बशीर जो है वो तो महफूज हैं और उनका स्क्वाड भी महफूज है, लेकिन उनके जो स्क्वाड पर जो फायरिंग का वाकया हुआ है इस पर खौफ हरास भी पाया जा रहा है और इस हवाले से वहां पर जो है वो पुलिस जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है कि वो शख्स कौन था, क्यों उसने फायरिंग की है, इस तमाम तब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि उन पर फायरिंग जो है वो वाकया वो। अच्छा, इब्तदाई मालूमात क्या है, पुलिस क्या कह रही है, कोई टारगेटेड ये फायरिंग की गई है?
देखिए जब जज जो होते हैं वो एक स्क्वाड के साथ जो है वो वहां से मूव करते हैं, तो जो फायरिंग है वो उसको उसके वाक्य को आम वाक्य नहीं दिया जा सकता। इसको अब्तदाई तौर पर जो है वो पुलिस इसका तयन कर रही है कि ये टारगेटेड है या नहीं, लेकिन जो पुलिस कह रही है, जो जराए कहते हैं, वो अब्तदाई तौर पर उनका यही ख्याल है कि ये टारगेटेड हो सकता है। वो इसलिए कि जो स्क्वाड आ रहा होता है वो बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई होता है कि स्क्वाड जो है वो किसी जज का होगा या किसी वीआईपी मूवमेंट होती है, तो उस पर अगर कोई फायरिंग का वाकया हुआ है तो उसको टारगेटेड फायरिंग का वाकया ही फिलहाल जो है गर्दाना जा रहा है। लेकिन इसकी तहकीकात के बाद पता चलेगा कि वाकईतन ये टारगेटेड था या कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में आशाहिद हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे फैज अहमद भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।